खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना। लल्लन टॉप अड्डा का इंतजार हुआ खत्म। एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज के साथ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 24 नवंबर से 26 नवंबर तक इस बार लल्लन टॉप अड्डा सजने वाला है। बिजी आप बहुत होंगे, पर थोड़ा समय निकालिए, पहुंच जाइए। एंट्री एकदम फ्री है, बस आप ये वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन वाली फॉर्मेलिटी अगर अभी तक पूरी नहीं कर पाए हैं तो तुरंत कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सूचना समाप्त, अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। यह चीन की राजधानी बीजिंग स्थित बच्चों का सबसे प्रमुख अस्पताल खचाखच भरा हुआ है। इसे देखकर क्या याद आता है, पहले कोरोना महामारी और अब ये। तो खबर आई है कि चीन में एक नई बीमारी फैल रही है जिसके चलते कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं। मरीजों को तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन की शिकायत है। कहा जा रहा है कि बीमारी सिर्फ बच्चों को ही निशाना बना रही है। इसी के चलते कई स्कूलों में पढ़ाई बंद कर दी गई है। चूंकि स्थिति लगातार बिगड़ रही है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए WHO ने अब हस्तक्षेप किया है। WHO ने 22 अक्टूबर को अपने एक बयान में बताया कि उसने सांस संबंधी बीमारियों में बढ़ोतरी और बच्चों में निमोनिया फैलने को लेकर चीन से विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा था। WHO ने कहा कि चीनी अधिकारियों ने इसके लिए COVID-19 प्रतिबंध हटाने, इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस और COVID-19 वाले वायरस जैसे पैथोजन को जिम्मेदार ठहराया है। WHO ने चीन के लोगों को सांस संबंधी बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए जरूरी उपायों का पालन करने की भी सलाह दी है। इनमें वैक्सीनेशन, इन्फेक्टेड लोगों से प्रॉपर दूरी, मास्क, रेगुलर टेस्टिंग, अच्छा वेंटिलेशन और लगातार हाथ धोना आदि शामिल है। चीन में फैली इस बीमारी पर इंडिया टुडे से जुड़े प्रतीक चक्रवर्ती ने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की। खबर है कि बीमारी बीजिंग और लियाओनिंग प्रांत में फैल रही है। वहां के बाल चिकित्सा अस्पतालों में भारी संख्या में बीमार बच्चों को भर्ती किया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक इस बीमारी से किसी की मौत की खबर नहीं आई है। बीमार बच्चों में खांसी के लक्षण नहीं है, जो कि फ्लू या वायरस से हुई बीमारियों में आमतौर पर देखा जाता है। तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बीजिंग के एक निवासी ने ताइवानी न्यूज वेबसाइट FTV न्यूज को बताया कि अस्पताल में बड़ी संख्या में बच्चे भर्ती और कई बच्चों के फेफड़ों में गांठें पाई गई हैं। अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ एरिक फीगल डिंग ने भी चीन में लोगों के फेस मास्क पहनने का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय रोग निगरानी प्लेटफॉर्म प्रोमेड ने 21 नवंबर को इस अज्ञात निमोनिया पर अलर्ट जारी किया था। अब तक इस बीमारी के चलते अडल्ट्स के प्रभावित होने की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल मेडिकल एक्सपर्ट्स माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया की ओर इशारा कर रहे हैं। ये एक सामान्य जीवाणु संक्रमण होता है जो आमतौर पर छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। इसे वॉकिंग निमोनिया भी कहा जाता है। आपको ये भी बताते चलें कि निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करने वाला एक संक्रमण होता है। ये एक फेफड़े को भी संक्रमित कर सकता है, दोनों को भी कर सकता है। इस इन्फेक्शन के कारण फेफड़ों में मौजूद हवा की थैलियां या एल्वियोली में तरल पदार्थ या मवाद भर जाता है। निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से फैल सकता है। लक्षण भी हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आई थी हमारी साथी ज्योति। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।